अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉरवर्ड पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास 2, सब्जेक्ट ड्राइंग। माय नेम इज़ हुरिया एंड आई एम योर ड्राइंग टीचर। स्टूडेंट्स, एज यू नो वी हैव फिनिश्ड अवर बुक वर्क। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द कॉपी वर्क। टेक आउट योर ड्राइंग कॉपीज। स्टूडेंट्स, प्रिपेयर योर पेज विद मार्जिन लाइन एंड डेड लाइन एंड राइट डाउन मिड टर्म इन सेंटर ऑफ द पेज। नाउ स्टूडेंट्स, गो टू द नेक्स्ट पेज। Students, prepare your page with margin line, date line, mention the date and give the heading of contents. Students, हमने total 9 diagrams अपनी copy पर draw करनी है। Students, आपने इन contents को neatly अपनी copy पर लिखना है और end में finishing line must लगानी है। Now students, go to the next page. स्टूडेंट्स, पेज प्रिपेयर करें विद मार्जिन लाइन, डेट लाइन, डेट मेंशन करें और लाइंस की हेडिंग दें। स्टूडेंट्स, ड्राइंग में डिफरेंट लाइंस यूज होती हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन, वेवी लाइन, जिगजैग लाइन, कर्व लाइन। इसके अलावा और भी डिफरेंट लाइंस यूज होती हैं, लेकिन हम ये 4 लाइंस ड्रॉ करना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, आपने अपनी कॉपी के पेज को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। लाइंस ड्रॉ करने के लिए अब हम यहाँ फर्स्ट वे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। चले स्टूडेंट्स, लाइन ड्रॉ करते हैं। स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, अब हम वेवी लाइन ड्रॉ करेंगे। आपने केयरफुली वेवी लाइन ड्रॉ करनी है। स्टूडेंट, हमने वेवी लाइन ड्रॉ कर ली, अब हम जिगजैग लाइन ड्रॉ करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने जिगजैग लाइन ड्रॉ कर ली, अब हम कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने लाइंस ड्रॉ कर ली है, आपने भी केयरफुल इनको ड्रॉ करना है। नाउ स्टूडेंट्स, गो टू द नेक्स्ट पेज। स्टूडेंट्स, पेज प्रिपेयर करें विद मार्जिन लाइन, डेट मेंशन करें और शेप्स की हेडिंग दें। स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स ड्रॉ करेंगे। जो फर्स्ट वन है वो है सर्कल। आपने अपनी कॉपी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है और आपने इस पार्ट को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, सर्कल की हेडिंग दें। स्टूडेंट्स, आप कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट ले लें जिसकी मदद से हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। आपका ऑब्जेक्ट जो है वो साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो। चलें स्टूडेंट्स, केयरफुली सर्कल ड्रॉ करें। स्टूडेंट्स, हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया है, अब हम ड्रॉ करेंगे सेमी सर्कल। स्टूडेंट्स, जब हम इस सर्कल को हाफ करते हैं तो वो कहलाता है सेमी सर्कल। चलें स्टूडेंट्स, हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट आप सर्कल ड्रॉ करें। स्टूडेंट्स, हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया है, अब आपने स्केल की मदद से इस सर्कल के सेंटर में लाइन ड्रॉ करनी है। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये 2 सेमी सर्कल ड्रॉ हो गए हैं, एक अपवर्ड डायरेक्शन में, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। स्टूडेंट्स, आपने यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन वाले सेमी सर्कल को इरेज कर देना है। स्टूडेंट्स, हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया, इसको सेमी सर्कल भी बोलते हैं और हाफ सर्कल भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम ड्रॉ करेंगे क्वार्टर। स्टूडेंट्स, क्वार्टर ड्रॉ करने के लिए आप इसी तरीके से सेमी सर्कल ड्रॉ करें। स्टूडेंट्स, सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन लगानी है सेंटर में और इसको बीच में से हाफ कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने इस पोर्शन को इरेज कर देना है। स्टूडेंट्स, हमने क्वार्टर ड्रॉ कर लिया है।
सर्कल को जब हाफ करते हैं तो वो सेमी सर्कल या हाफ सर्कल कहलाता है, और जब हम इस सेमी सर्कल को हाफ करते हैं तो ये क्वार्टर कहलाता है। चलें स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इसमें डिफरेंट कलर्स। कलर्स करना स्टार्ट करें स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हमने अपनी शेप्स में कलर कर लिया है, आपने भी इसमें केयरफुली कलर करना है। कलर आपने एक ही डायरेक्शन में करना है, और स्टूडेंट्स कलर केयरफुली करें, कलर्स आपकी शेप से बाहर ना जाए। नाउ स्टूडेंट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। स्टूडेंट्स पेज प्रिपेयर करें विद मार्जिन लाइन, डेट मेंशन करें और ट्राइंगल की हेडिंग दें। स्टूडेंट्स आज हम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। स्टूडेंट्स आपने स्केल पे सेंटीमीटर वाली साइड लेनी है, और यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की एक हॉरिजेंटली लाइन ड्रॉ कर देनी है। और स्टूडेंट्स यहाँ 3 पे आपने मार्क कर देना है, 6 का हाफ 3 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने स्केल को वर्टिकली रखना है, और 0 जो है वो आपका इस पॉइंट पे आए। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपने यहाँ 6 तक एक वर्टिकली लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब स्टूडेंट्स आपने इन पॉइंट्स को इनके साथ ज्वाइन कर लेना है। और स्टूडेंट्स आपने ये वाली लाइन इरेज कर देनी है। स्टूडेंट्स हमने ट्राइंगल बना लिया, अब आप इसमें कोई भी कलर कर सकते हैं। चलें स्टूडेंट्स कलर करना स्टार्ट करें। स्टूडेंट्स हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है, और इसमें कलर्स भी कर लिए हैं, आपने भी इसमें केयरफुली कलर्स करने हैं। कलर्स डायरेक्शन आपकी एक ही हो। स्टूडेंट्स आपने लास्ट में फिनिशिंग लाइन मस्ट लगानी है। नाउ स्टूडेंट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। स्टूडेंट्स पेज प्रिपेयर करें विद मार्जिन लाइन, डेट मेंशन करें और स्क्वायर की हेडिंग दें, जो कि शेप में हमारी थर्ड डायग्राम है। स्टूडेंट इसके लिए आप सबसे पहले 7 सेंटीमीटर की एक हॉरिजेंटली लाइन ड्रॉ करेंगे। स्टूडेंट स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए हमने 7 सेंटीमीटर ही वर्टिकली लाइन ड्रॉ करनी है बोथ साइड। अब स्टूडेंट्स इन टू लाइंस को ज्वाइन कर दें। स्टूडेंट्स हमने स्क्वायर ड्रॉ कर लिया है, अब हम करेंगे इसमें कलर्स। आप इसमें कोई भी कलर कर सकते हैं। चलें स्टूडेंट्स कलर करना स्टार्ट करें। स्टूडेंट्स हमने स्क्वायर में कलर कर लिए हैं, आपने इसमें केयरफुली कलर्स करने हैं। कलर्स आपकी शेप से बाहर ना जाए, और कलर आपने एक ही डायरेक्शन में करने हैं। स्टूडेंट्स आपने एंड में फिनिशिंग लाइन मस्ट लगानी है। नाउ स्टूडेंट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। स्टूडेंट्स पेज प्रिपेयर करें विद मार्जिन लाइन, डेट मेंशन करें और रेक्टेंगल की हेडिंग दें। स्टूडेंट्स अब हम शेप में अपनी लास्ट डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले हॉरिजेंटली 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। स्टूडेंट्स रेक्टेंगल में इसकी ऑपोजिट साइड जो हैं वो इक्वल होती हैं, तो हमने यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट साइड पे हम 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। अब स्टूडेंट्स आप इन टू लाइंस को ज्वाइन कर लें। स्टूडेंट्स हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है, अब आप इसमें कोई भी कलर कर सकते हैं। चलें स्टूडेंट्स कलर करना स्टार्ट करें। स्टूडेंट्स हमने रेक्टेंगल में कलर कर लिया है, आपने भी इसमें केयरफुली कलर करना है। कलर आपकी शेप से बाहर ना जाए, और कलर डायरेक्शन जो है वो एक ही हो। स्टूडेंट्स आपने एंड में फिनिशिंग लाइन मस्ट लगानी है। स्टूडेंट्स दिस इज़ द एंड ऑफ द क्लास। We will do next diagrams in the next class. Stay home and stay safe. Allah Hafiz.